सिकल सेल रोग SCD हीमोग्लोबिन विकार है जो कि जीवन के लिए खतरा है और इसकी वजह से कई तरह का समस्याएं होती है। इसके लिए आवश्यक सहायक देखभाल में कई बदलाव के बावजूद इस रोग के मरीजों के जीवन में गुणवत्ता नहीं आ पाई है। अब तक सिकल सेल रोग से पीड़ित किसी भी रोगी की मदद के लिए कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। फोलिक एसिड, पेनिसिलिन और आवश्यकता अनुसार रक्त चढ़ाना जैसी सहायक देखभाल के बावजूद कई बच्चे अभी भी गुणवत्ता युक्त जीवन नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन पिछले दशक में SCD के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिसमें संबंधित या असंबंधित किसी भी डोनर के होने पर 90% तक जीवन रक्षा में सुधार हुआ है। विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव खारिया। डॉक्टर गौरव खारिया SCD के रोगियों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने SCD के लिए 100 से अधिक BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए हैं, जो एक ही केंद्र से BMT द्वारा इलाज किए जा रहे SCD रोगियों की इन वर्ल्ड सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने हेप्लो आइडेंटिकल डोनर्स के बोन मैरो का उपयोग करके रोगियों के इलाज के लिए कुछ नवीन प्रोटोकॉल भी विकसित किए हैं। इस
आपके सर्किल में कोई ना कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिकल सेल प्रभावित है, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हम सब लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हैं। सिकल सेल जैसी जो भी बीमारियां हैं, सिकल सेल हुआ, थैलेसीमिया हुआ, ये बीमारियां सिर्फ उस बच्चे को नहीं अफेक्ट करती, ये ऐसी क्रोनिक बीमारियां हैं जिससे पूरा परिवार अफेक्ट होता है। अगर सिकल सेल एक किसी बच्चे को है, उसके माँ बाप को ध्यान रखना, उसको हर समय समय पे डॉक्टर के पास ले जाना, जरूरत पड़ने पे ब्लड देना, जब हाथों पैरों में दर्द होता है उसको भर्ती कराना, तो पूरा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है और सब अनप्रेडिक्टेबल है। थैलेसीमिया में तो फिर भी चलिए है कि भाई पता होता है आज हमने अगर 1 तारीख को ब्लड दिया है तो अगले 1 के आसपास ब्लड लगेगा, हो सकता है 2 दिन लगेगा, हो सकता है 2-3 दिन बाद लगेगा। सिकल एक ऐसी बीमारी है जो अनप्रेडिक्टेबल है, उसका हमें नहीं पता होता कि किस दिन सुबह बच्चा उठेगा या रात में उसको दर्द शुरू हो जाएगा, पेरेंट्स को डॉक्टर्स के पास भागना पड़ेगा, बैग छुपाना पड़ेगा। अभी से करीब 15 साल पहले जो जनरल कंसेंसस था, जो मानना था, वे है कि इस बीमारी को ज़्यादा कुछ नहीं करें, जो भविष्य भी थे वो भी यही था कि समय पे डायग्नोस करें और इलाज शुरू करें, जब उसको ब्लड दें, हाइड्रोक्सीलिया प्रॉपर मात्रा में दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दवाई हाइड्रोक्सीलिया उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी दवाई है। आज की इतनी सब प्रगति होने के बावजूद भी हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो हाइड्रोक्सीलिया की ऑप्टिमल डोजिंग करता है, बाकी और कोई दवाइयाँ होती हैं, फोलिक एसिड वगैरह होती, बट इन सब को करने के बावजूद भी जो एक हम बच्चे को चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे जैसा होना चाहिए, उसको वो नहीं दे पाते। और क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि जी बच्चे को पूरी ज़िंदगी नॉर्मली 50 साल 60 साल 70 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली हम ऑप्टिमल सपोर्टिव केयर के बावजूद भी नहीं दे पाते। इसके चलते लोगों ने कोशिश की कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनको हमेशा के लिए दिया जाए। एक अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जो होता है जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया में वेल एस्टैब्लिश है, सबको पता है कि थैलेसीमिया का क्यों बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है, उसी तरह से सिकल के बच्चों को भी उन्होंने उनके लिए ट्रांसप्लांट करना है। पहले सक्सेस उतना अच्छा नहीं था, पर पिछले 10 सालों में जैसे उन्होंने बताया जो सक्सेस रेट है वो बच्चों का जो बढ़ती है डोनर ट्रांसप्लांट का वो 80 से 90%, मतलब कि 80 से 90% जिन बच्चे जिनको हम ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रगति है। तो जैसा अभी आपने बताया था थोड़े पहले कि कुछ छोटा सिकल होता है, कोई बड़ा सिकल होता है, तो इसको हम अगर साइंटिफिक टर्म्स पे देखें तो छोटा सिकल उसको बोलते हैं जो सिकल फैलियर है, जिसको यूजुअली दिक्कत नहीं होती, कभी कभार अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बच्चा खेल कूद के आता है, बहुत पसीना हो जाता है, तब उसको ये सिकल क्राइसिस कह सकते हैं। दूसरा होता है जो बड़ा सिकल होता है, जो एसएस होता है, उसमें भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिकल हीमोग्लोबिन हो सकता है 70-75 हो, बट एक बच्चे को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो और दूसरे बच्चे को सिम्टम्स नहीं हो। ये जो जेनेटिक, ये जो वेरिएबिलिटी है, इसी को पता लगाने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जो कि ICMR से सपोर्टेड है, पहले तो ओरिजिन अगर देखें कि कैसे होता है, तो एक अनुवांशिक बीमारी, कुछ जीन्स होते हैं जो डिफेक्टिव है, जो जीन्स जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जो माता और पिता को, माता और पिता को तकलीफ क्यों नहीं होती, क्योंकि उनको उसका अंश रहता है, जो हम ये कोई छोटा सा तो उनमें वो तकलीफ नहीं होती, बट अगर कोई बड़ी या बदू हो कि जिनमें सिकल का छोटा छोटा अंश है, उनकी अगर शादी होती है तो जो बच्चे होते हैं उनमें बड़ा सिकल होने की गुंजाइश होती है,
मतलब उनमें जो दोनों सिकल के डिफेक्टिव जीन है वो अगर साथ में एक बच्चे में आ जाए जिसकी गुंजाइश 25% होती है, हर प्रेगनेंसी में 25% गुंजाइश होती है कि वो दोनों डिफेक्टिव जीन एक साथ आ सकते हैं, तो उस बच्चे को अनफॉर्चुनेटली बड़ा सिकल होता है जिसको एसिड होता है। तो रीजन तो ऐसा है, इसके लिए हम अगर इसको थोड़े से बड़े तरीके से देखें कि क्या कर सकते हैं, तो जो बचाव होता है वो सबसे बड़ा इलाज होता है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। ठीक है, तो जो एलिजिबल कपल्स हैं, जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, जो कुछ समय बाद जिनकी शादी होगी, उनका अगर हम मास स्क्रीनिंग करें और पता लगा सकें कि इसमें एएस है इसमें एसएस है, क्योंकि बहुत छोटे से टेस्ट, हाँ तो 50 से 100 रुपये का टेस्ट होता है उससे हमें पता चल जाता है, और उसके चलते वो अवेयर हो जाते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें आगे किस तरह से बताए। तो ये तो हो गया प्रिवेंशन। अब आपने जो दूसरा पूछा था कि किस उम्र में होता है, तो ये डिपेंड करता है कि उसका जो क्लिनिकल फेनोटाइप हो गया तो कितनी सीवियरिटी है। कुछ बच्चे हैं जो जन्म के 5 महीने में सिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो 5 साल में सिम्प्टोमेटिक होते हैं, और कुछ बच्चे हमें 20-20 कुछ पेशेंट 20-30 साल में होते हैं। जो बड़ा सिकल होता है और बड़े सिकल में भी जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बार बार तकलीफ होती है, उनको हम ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर करते हैं। अगर मोटे मोटे शब्दों में देखें तो ऐसे बच्चे जिनको कि जो क्राइसिस होता है, जो दर्द होता है, जिसको हम वीनो ऑक्लूसिव क्राइसिस बोलते हैं, वो साल में 3 से 4 बार होता है लगातार 2 साल के लिए, ऐसे बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट से फायदा होता है। या कोई ऐसा बच्चा है जिसको सिक्वेस्ट्रेशन पर, जिसको कि तिल्ली जो है उसमें खून एकदम से भर जाता है और हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, उसको सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस बोलते हैं। वो अगर किसी बच्चे को एक बार भी होता है तो वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट है। किसी बच्चे को अगर दिमाग में कभी दौरा आया हुआ है, स्ट्रोक है, उनका ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो ऐसे कुछ इंडिकेशंस हैं जो अगर किसी कोई बच्चा फुलफिल करता है तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट से 80-50% से फायदा होता है। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो एज पीडियाट्रिशियंस, एज हेमेटोलॉजिस्ट, ऐसा बच्चा जो शुरू के 3 से 4 साल में सिम्प्टोमेटिक है और उसे 3-4 बार से ज़्यादा उसको दर्द उठता है, लंबे समय पे हमने देखा है कि इन बच्चों को तकलीफें ज़्यादा होती हैं और उनको 80-50% अगर किया जाए अर्ली लाइफ में, हाँ तो सक्सेस बहुत ज़्यादा होता है और बिल्कुल लाइफ जो है उनकी नॉर्मल हो जाती है। मेरा यहाँ दिल्ली से आने का उद्देश्य ये है कि जो मेरे बाकी के हमारे यहाँ पीडियाट्रिक कलीग्स हैं उनके साथ में मिलके जो सिकल सेल डिजीज़ है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को जागरूक करना कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है, और यहाँ पर जो सिकल का जो बच्चे हैं उनका जेनेटिक मेकअप देखना कि उनका जेनेटिक मेकअप कैसा है और उससे उनका जो क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन है वो, ये उद्देश्य है। क्या होगा? देखिए छत्तीसगढ़ में प्रयास तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, जो हमारे और कलीग्स हैं अपने अपने लेवल पे वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, भले गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, बट कुछ एक नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में जागरूकता कम थी, तो हमारा प्रयास ये है कि उसके बारे में अपने कलीग्स को अवेयर करना और जनरल पब्लिक को अवेयर करना। छत्तीसगढ़ को लाभ ये होगा कि जो एक इतना बड़ा सिकल की पॉपुलेशन है, बच्चे इतना सफ़र करते हैं, गवर्नमेंट के इतने रिसोर्सेज उसमें जाते हैं, अगर हम उस बीमारी को अच्छे से समझ पाएंगे और उसका इलाज ऑफर कर पाएंगे तो ओवरऑल जो डिजीज बर्डन है पूरे स्टेट में वो बहुत कम होगा। बिल्कुल नहीं, बिना उसके तो देखिए सब आपस में किसी एक के बस की बात नहीं है, बहुत बड़ा मोटिव है। तो स्टेट का कोऑर्डिनेशन, जो कलीग्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, जो प्राइवेट सेक्टर में, सबका आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा, सहयोग रहेगा, तभी इसको अचीव करें। आपका क्या उद्देश्य? हमारा क्या उद्देश्य है? देखिए मेरा सिकल, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, है ना, मेरा जो सिकल में इंटरेस्ट है, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था अपनी बाहर लंदन में इंपीरियल कॉलेज में, तो वहाँ बहुत सारे सिकल के बच्चे होते थे, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट सिकल में जागा, क्योंकि जब मैंने अपना MBBS किया जबलपुर से, तो हमारा एक मेडिकल कॉलेज में सेपरेट सिकल वार्ड होता था,
बट जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया वहाँ पर वार्ड में हमारा जाने का सिर्फ ये रहता था कि बच्चों को बस आप फोलिक एसिड चार्ज कर दो, हाइड्रोक्सी या चार्ज कर दो, उसके आगे हमारे बताने के लिए कुछ नहीं होता। पर जब मैं बाहर गया देखा कि भाई इससे बहुत कुछ आगे ऑफर किया जा सकता है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। वापस आके यही सोचा कि भाई जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं एमपी के छत्तीसगढ़ के, अगर उनको हम किसी भी तरह से बेनिफिट कर सकें तो ये बड़ा अचीवमेंट होगा। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव खन्ना, मैं दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अस्पताल अस्पताल में जो रक्त रोग विशेषज्ञ हूँ और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जो विभाग है उसका डायरेक्टर। जब पेरेंट्स हमसे इसके परमानेंट इलाज के बारे में पूछते हैं तो शायद उस समय जवाब नहीं दे पाए। तो सर के आने से ये ज्ञान हुआ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है सिकल सेल डिजीज में ट्रीटमेंट की मॉडलिटी, और जो कि सर का ऐसा अनुभव है इन्होंने मोर देन 100 ट्रांसप्लांट काफी सक्सेसफुल। हमें लगा कि छत्तीसगढ़ के हमारे बच्चों को क्यों ना ये परमानेंट इलाज की भी सुविधा, इसलिए हमने सर को कॉल किया। हम सर मिलकर काम करेंगे, तब हम यहाँ के बच्चों को कुछ बेनिफिट देंगे।